चुनावी यात्रा के क्रम में नेशनल टीवी आई हुई है महनार में, और महनार में 14 पंचायत का अगर देखे स्थिति तो बड़ा ज़्यादा सिचुएशन डिफिकल्ट है। हर पंचायत चुनाव को लेके यहाँ पे जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, जिला परिषद की बात करें तो 38 में करीब 13 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। अभी एक्सक्लूसिव पंकेश जी जुड़ गए हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनका चुनावी एजेंडा क्या कुछ है क्षेत्र के विकास के लिए, क्योंकि 6 पंचायत है। लोग कह रहे हैं कि 6 पंचायत में जो निवर्तमान यहाँ से जिला परिषद रहे उन्होंने कोई काम नहीं किया, इनका क्या कुछ एजेंडा है। हालांकि इनका बैकग्राउंड जो है, इनका दादाजी यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं, इनकी माँ मुखिया भी रही हैं 1 से 6 तक, और ये अभी वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष भी हैं। तो तमाम मुद्दे हैं क्षेत्र के विकास के लिए और बहुत कुछ है। सीधे एक्सक्लूसिव जुड़ते हैं, स्वागत है सर नेशन टीवी पे आपका। सर्वप्रथम नेशन टीवी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, और मैं यह बताना चाहूँगा कि आज जो मैं क्षेत्र संख्या 38 से प्रत्याशी हूँ, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में कैंडिडेट ने कमी किया है, जिसके कारण से सभी लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है और उन्होंने कहा है कि आप ही एक ऐसे शख्सियत हैं, उम्मीदवार हैं जो इस क्षेत्र को खुशहाल बना सकते हैं जी। तो मेरा यह मुख्य एजेंडा रहेगा कि जितने जिला परिषद यहाँ बने हैं और जो भी सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी का हो या स्कूल में 6 वर्ष से 14 वर्ष को बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा मिलता है, उसका सही में इम्प्लीमेंट हो, उसको सही से अमली जमा पहनाया जाए, या जो भी स्वास्थ्य केंद्र हमारे क्षेत्र अंतर्गत हो जहाँ पे कि डॉक्टर की उपस्थिति होनी चाहिए जो आज नहीं हो रहा है, उस पर मेरा फोकस रहेगा। और जो 6 पंचायत में जो सरकार की बड़ी योजना है, जो भी नहर का उराही हो या बहुत सारा देखे होंगे कि इस बार काफ़ी पानी होने से वाटर लॉगिंग की समस्या उत्पन्न हो गई, जिसके कारण से कैंडिडेट लोगों ने कुछ नहीं कर पाया, चाहे मुखिया हो या उस क्षेत्र के जिला परिषद हो, उन्होंने इस पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया। तो मैं निश्चित तौर पर 2 पंचायत, सपोज हमारे यहाँ नवापुर नारायण महनार है या हसनपुर उत्तरी दक्षिणी है, अगर कहीं भी इस तरह का विकट जल जमाव की स्थिति होती है तो मैं निश्चित तौर पर इसको अपने क्षेत्र के जो भी हमारे SDO साहब हैं या हमारे DDC महोदय हैं उन लोगों को बुला के यहाँ की जो समस्या होगा उससे उनको अवगत कराएंगे और यहाँ के लोगों को निजात दिलवाएंगे, यही हमारी प्राथमिकता है जी। अच्छा, यहाँ सवाल ये है कि क्षेत्र के विकास की बात करें तो मुख्य रूप से आपने कहा कि जल जमाव की समस्या रही, लोगों का शिक्षा का समस्या है, अन्य क्या कुछ है जो यहाँ पे जरूरी है? खासकर कह रहे हैं कि कम से कम एक एक जो है उप स्वास्थ्य केंद्र रहना चाहिए, एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए, तो तमाम मुद्दे हैं, क्या कहेंगे? ये सब भी सुविधा, बुनियादी सुविधा है। इसी तौर पर हमारे गाँव समाज में बहुत सारा ऐसा महिला है जिनका डिलीवरी होता है तो उस समय उनको बहुत विकट पेन महसूस होता है, तो उस समय अगर सही में एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी तो उनको सब समय पे उनका प्रसव कराया जा सकता है, जो निकट के स्वास्थ्य केंद्र में भेजा जा सकता है। और एक सबसे बड़ी समस्या क्या है, जब हम अपने क्षेत्र में भ्रमण करते हैं तो बहुत सारे युवा हमसे कहते हैं कि भैया बिजली, स्वास्थ्य, सड़क, ये तो मूलभूत सुविधा है ही, लेकिन हमारे नौजवान अगर ब्रॉडबैंड की व्यवस्था कर दी जाए, इंटरनेट से अगर जोड़ा जाए, तो हमारे जो भाई हैं जो बाहर जाते हैं इंटरनेट सेवा लेने के लिए, पढ़ने के लिए, उनको भी यहाँ सुविधा मिल सके तो वो लोग यहाँ रह सकते हैं जी। तो इस पर भी मेरा फोकस रहेगा कि अपने क्षेत्र में हम ब्रॉडबैंड को जोड़े, इंटरनेट के थ्रू हम उसको आगे लोगों तक पहुँचाए जी। जब आप ऑलरेडी पैक्स अध्यक्ष हैं और 2-2 पोस्ट आप लेना चाह रहे हैं, कि मुख्य जो है क्षेत्र के विकास का नहीं, आप खुद के विकास के लिए ऐसा कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यह सहकारी समिति है और सहकारी समिति में मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पिताजी भी यहाँ के अध्यक्ष रह चुके हैं। उस समय तो लवापुर नारायण पंचायत, महनार पंचायत, अलीपुर हट्टा पंचायत, तीनों पंचायत मिला के ही एक पैक्स था और उन्होंने काफ़ी किसानों को ऋण भी मुहैया कराने का काम किया, और जब किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई तो उसको ऋण माफ़ी भी कराया, तो हमारे पिताजी ने इस चीज़ को अच्छे से संभाला। और उसके उनके देहांत के बाद मुझे लोग बोले कि भाई आपके पापा ने अच्छा वर्क काम किया है, तो हम लोग आप ही को आशीर्वाद देंगे, और जनता हमको बनाए हुए हैं और यह सहकारी समिति है, इसमें हम पैक्स अध्यक्ष रहे और 6 पंचायत से जिला परिषद बने, इससे इसका कहीं कोई इस पर असर नहीं पड़ेगा जी जी। और लोग यह भी कहते हैं कि आप चूंकि नहीं लड़ते थे जिला परिषद चुनाव, इसलिए आपको हम लोग जनादेश नहीं दे पाते थे, आज आप आए हैं तो निश्चित तौर पर आपको हम लोग जनादेश देंगे और आपको इस क्षेत्र संख्या 38 से जिताएंगे, ये हमको भरोसा सब यहाँ के बुजुर्ग माताओं बहनों सब लोग देते हैं जी। तो 6 पंचायत है, उम्मीद क्या लग रहा है कि हर पंचायत से भरपूर वोट मिलेगा या फिर कुछ पंचायत में कमेगा? नहीं, देखिए निश्चित तौर पर जो भी उम्मीदवार हैं अपने क्षेत्र के हैं, गांव के हैं, पंचायत के हैं, वोटर में थोड़ी सी ये रहती है, लिमिटेशन है उनका भी,
सबको मतदान देना है, मतदान अपना गुप्त मतदान करना है, इसलिए लोग मुखर होके ना कहते हों, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे यह प्रतीत होता है जब जाते हैं लोगों के चेहरे पे मुस्कान झलकता है और जो वोट देने वाले हैं उनसे प्रतीत होता है कि अपने आशीर्वचनों से हमें आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि बाबू आपको हम जरूर मदद करेंगे, निश्चित तरह जिताएंगे और सब जगह हमको समर्थन अच्छा मिल रहा है, इसलिए हमारा पूरा उम्मीद है कि लोग हम हमारे तरफ देख रहे हैं, हमको आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह से हमारे दादाजी इस क्षेत्र का सेवा किए, पिताजी किए, माताजी के माध्यम से हमने काफी यहाँ वर्क किया अपने पंचायत में, तो हमारे पंचायत के लोग तो देख ही रहे हैं और भी अगल बगल के जो जो जाने हैं कि यहाँ पे विकास हुआ है वो लोग भी हमें मदद कर रहे हैं। और चूंकि चुनाव नजदीक आ गया है, 8 दिसंबर को मतदान होने हैं, क्या जनता से अपील करेंगे और खासकर चुनाव चिन्ह क्या मिला है? जनता से हम यही अपील करना चाहेंगे कि जिला परिषद उम्मीदवार पंकेश कुमार राय रेल का इंजन छाप है क्रम संख्या 7 पर और वो अपना बहुमूल्य मत हमें 8 दिसंबर को ईवीएम के जिला परिषद के ईवीएम के क्रम संख्या 7 पर हमें वो अपना मतदान दे और हमें इस क्षेत्र से विजयी बनाए। पंकेश जी के साथ तो पूरा एकदम घूम रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? अच्छे पंचायत बहुत अच्छे लग रहे हैं, विशेषज्ञ आर्थिक से अच्छे, पूरा जहाँ तक हम लोग घूम रहे हैं बहुत अच्छे। पंकेश बाबू के नए चेहरे है, उमंग है, जो है, इसीलिए बहुत जानता चाह रही है। जी जी, आप क्या कहेंगे? आप यहीं के हैं? हाँ, मैं यहीं का हूँ। अच्छा, मैं यही चाहूँगा कि पंकेश भाई विजयी हो, हम लोग सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट करेंगे, पूरा पंचायत सपोर्ट करते हैं पंकेश भैया को, यही विजयी बनेंगे, इसके टक्कर में कोई नहीं। अच्छा, आप कुछ बोलेंगे? मेरा नाम देवानंद पासवान हुआ। आप इसी पंचायत के? कौन पंचायत के हैं? वार्ड नंबर 8 में मेरा घर हुआ। अच्छा, पंकेश जी के बहुत धन्यवाद है, इस बार आए हैं मैदान में, मेरा जितना समुदाय है सब उनके साथ है और मैं गांव से क्या अन्य गांव से भी मैं सपोर्ट दे रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार पासवान। तो आप तो अभी पूरा क्षेत्र विजिट कर रहे होंगे, क्या माहौल लग रहा है पंकेश जी के तरफ? नहीं, माहौल बहुत बढ़िया है और पिछले बार जो जिला परिषद थे इस बार तो कुछ नहीं काम कर पाए, लेकिन पैक्स रहते हुए भी बहुत सारा काम किए हैं, लेकिन इस बार इन्हीं से पूरी जनता का उम्मीद है कि मतलब काम करेंगे। उम्मीद है कि जीतेंगे तो क्षेत्र का विकास होगा। तो बिल्कुल, बहुत बहुत। आप कितने नंबर वार्ड से हैं? 8 नंबर वार्ड।